मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि पर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन रैली निकालकर जन आशीर्वाद के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया है और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वही बदनावर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत ने नामांकन रैली के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं की रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत अपने हजारों समर्थकों के साथ अनाज मंडी से एक बड़ी रैली निकालकर बदनावर के प्रमुख मार्गो से होते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित किया और अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की है। शेखावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव बदनावर की जनता लड़ रही है, बदनावर के विकास के लिए लड़ा जा रहा है। इस दौरान शेखावत ने भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तिगांव पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष बदनावर की जिमी बनाने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के युवा नेता टिंकू बना ने शेखावत का समर्थन करते हुए कहा कि तन मन और धन से वह इस चुनाव में शेखावत को जिताने के प्रयास करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिनारायण सिंह पवार, अभिषेक सिंह टिंकू बना, सुनील सांखला, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल, आशीष भाकर उपस्थित थे। धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। के नाम पर अगर किसी का विकास हुआ है तो विकास हुआ है राजवर्धन सिंह का।